सामान तकरीबन सारा रेडी है, खाने पीने का सामान ट्रांस में पैक कर दिया है, बर्तन पीछे पाउडर बैग में, स्लीपिंग बैग्स हैं पाउडर्स के लिए, तकरीबन सारा सामान पैक हो चुका हुआ है, बस अब सिर्फ गाड़ी का इंतज़ार है। ठीक ठाक है अनस भाई, आ जाए। हाँ, तो अपने चैनल पे बनाने के लिए बना भाई, बना बना बना, आ जाए आ जाए। घर की हवेली को शीशे के दरों में मंडा गुच्छा पहुंच जाए हम रात को तकरीबन 11 बजे। सुबह यहाँ से इंशाल्लाह ऊपर घोड़ी की जानिब निकलेंगे हम। सुबह के 7:15 हो रहे हैं, रात हमने इस गेस्ट हाउस में गुजारी थी। ये बकरा पार्टी के लिए हमने बकरा से बकरवा लिया, थोड़ी देर में गोश्त तैयार हो जाएगा, जैसे मैरिनेट करेंगे। सामान सेट कर रहे हैं और वजन बराबर कर रहे हैं पोटर्स के लिए। इसके बाद हमने ऊपर खोड़ी निकलना, तमाम टीम रेडी है। यासिर भाई, शुरू होने लगा है हमारा मुसल्ले का एक्सपीडिशन। उमर हमारे आज असिस्टेंट एक्सपीडिशन लीडर हैं, बड़े लीडर बट्टी साहब। यहाँ से आगे पैदल ट्रैक स्टार्ट होना है। यहाँ पे हम गाड़ी से उतरे और उसके बाद हमने पैदल जाना है। ₹1887 में हम, बाकी टीम आगे चली गई है, मैं और सलमान भाई पीछे आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। धूप निकल आई है। आधा रास्ता तय कर चुके हैं, अभी तक तो सीधा सीधा ट्रैक है, फिर आगे बक्खी के बाद चढ़ाई है। अभी तक तो सब फ्रेश है, इंशाल्लाह आज रात हम खोड़ी जाएंगे, वहाँ पे रात को बकरे का बारबेक्यू करेंगे, सुबह इंशाल्लाह स्वीट पुश है एंड देन बैक टू इस्लामाबाद। लास्ट टाइम हमने सामने वाला रास्ता चुना था, इस दफ़ा हम पानी की राइट साइड से जा रहे हैं। ये थोड़ा शार्ट है और बक्खी तक इसमें चढ़ाई भी कम है। ये एक छोटा सा ब्रिज है बक्खी के पास, यहाँ पे हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। डोर में हमने थोड़ी देर रेस्ट किया था और अब बक्खी की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद बक्खी से हमने ऊपर खोड़ी जाना है। खोड़ी पे आज रात को हमारा स्टे है,
की पहुँच आए हम यहाँ पे, थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं। हसन भाई, उमेश भाई, भट्टी साहब, विकास भाई, असल क्या है तूफान आ गए और सलमान भाई। मक्की से खोड़ी की तरफ जा रही है टीम, सारे आगे हैं। सबसे आगे आसिफ खोजा, उनके पीछे हसन भाई, फिर विकास भाई, फिर अनैस भाई, बड़ी साहब, सलमान भाई, सबसे लास्ट पे मैं हूँ। यहाँ पे हमें चश्मा मिला, पानी के लिए रुके हैं, छोटी सी रेस्ट। लस्सी आई है जी हमारे लिए, इस वक्त हम जबड़ से थोड़ा सा नीचे हैं। यहाँ पे मकामी बसने वाले लोगों ने हमारा थोड़ा सा इकराम किया, लस्सी लेके आए हमारे लिए। खालिस बकरी के दूध की लस्सी। बन्ना पहुँच आए हम और अब ऊपर जबड़ की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से हल्की फुल्की बर्फ़ स्टार्ट हो गई है, लेकिन मैक्सिमम हम पहुँच गए इस वक्त जबड़ और अल्टीट्यूड है 2750 meters 2780 meters करेक्टली। अनस भाई ने हमें करेक्ट किया। और कहाँ से निकले थे? सॉरी, मंडा कोचा से यहाँ तक हमें 5.5 ऑलमोस्ट 6 घंटे का ट्रेक और अल्टीट्यूड हमारा 2750 meters। फ्रेश हैं, थोड़ी सी टायर्डनेस हुई है क्योंकि लास्ट जो 200 मीटर का एल्टीट्यूड हमने गेन किया है उसमें स्नो का टेरन स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से थोड़ी सी जो है वो थकावट हमें हुई है, थोड़ी सी दुश्वारी है। अब यहाँ से 1/2 घंटे पर हम खोड़ी पहुँचेंगे और हमारा बेस कैंप वहाँ पे एस्टेब्लिश होगा। वहाँ जाएंगे, देंगे आप लोगों को अपडेट्स। बहुत खूबसूरत इस वक्त मौसम है और बादलों की मूवमेंट भी बहुत अच्छी है, तो इंशाल्लाह अच्छे व्यूज़ दिखाएंगे आपको और कल का भी अपडेट करेंगे। 2780 meters में हम, और इस जगह का नाम जबड़ है। ऑलमोस्ट हम अपनी कैंप साइट के करीब ही हैं। ये पीछे ऊपर आपको खोड़ी नज़र आ रही होगी, हमने वहाँ पे आज रात बेस कैंप स्टैब्लिश करना है। 2 रातें हमारी यहीं पे हैं, कल हमने सिमट पुश के लिए निकलना और फिर वापस खोड़ी आना। तो टीम सारी फ्रेश है, यहाँ से हल्की फुल्की बर्फ़ स्टार्ट हो गई है, लेकिन अभी इस तरह गहरी बर्फ नहीं है। खोड़ी हम पहुंच जाए हैं और यहाँ पे हमने बेस कैंप स्टैब्लिश किया। ये शेफर्ड हट्स हैं जो अभी नीचे चले गए, हमने उनके हट्स पे कब्जा किया। यहाँ पे हमने रात को कैंपिंग की है। ये कैंपिंग क्या किया है, बस इस हट में हमें जगह मिल गई थी तो ओपन हट है ये। रात हमने यहाँ पे गुजारनी है, अंदर माशाल्लाह अच्छा माहौल बना हुआ है, काफ़ी गर्म हो चुका हुआ है आग जलाने की वजह से। आधा चांद है, टीम को समिट के लिए निकाल दिया, समिट पुश के लिए जा रहे हैं। मुझे अनफॉर्चुनेटली वापस जाना पड़ रहा है, मेरा संडे को एक एग्ज़ाम है, तो टीम ऊपर समिट के लिए जाएगी और मैं वापस इस्लामाबाद के लिए निकलूँगा। सात बज के 52 मिनट हो रहे हैं,
टीम ऑलमोस्ट गली पहुंचने वाली है, अच्छी पेस रखी हुई है उन्होंने और मैं अब यहाँ से वापस नीचे उतरूँगा। सवा 8 हो रहे हैं, उम्मीद है इंशाल्लाह मैं 11:30 तक नीचे पहुंच जाऊंगा। मेन बर्फ वाला सारा सेक्शन ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुका हूं मैं, अकेला हूं इस वजह से पेस भी अच्छी है और उम्मीद है मुझे कि मैं 11 बजे तक मंडापिछा पहुंच जाऊंगा। 8:14 पे मैंने स्टार्ट किया था और अभी 9:42 हो रहे हैं, डोर पहुँच आया हूँ। 20 मिनट ज़ाया हुए थे, झाड़ियों में फंस गया था, गलत रास्ते पे चला गया था, इस वजह से 20-25 मिनट मेरे ज़ाया हुए और यहाँ पे पहुँचा हूँ अभी डोर। स्पीड में उतराई उतरने की वजह से घुटनों पे काफ़ी ज़ोर पड़ा और अब यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करूँगा फिर इंशाल्लाह आगे चलूँगा। 10:45 हो गए हैं और वापस इस ब्रिज तक पहुँच आया हूँ। दौड़ से आगे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि मेरे पाँव में मोच आ गई थी और सारा रास्ता लड़खड़ा के चलना पड़ा। वापस रोड पे पहुँच आया हूँ, पीछे आधा घंटा रेस्ट की थी, अब मंडागुच्छा की तरफ सफर जारी है। आधा घंटा लगेगा मंडागुच्छा तक, फिर वहाँ से वापस इस्लामाबाद।